बुरहानपुर जिले के ग्राम फोफनार में भीषण बाढ़ के चलते 500 परिवार घर से बेघर हो गए हैं, जिन्हें ना तो रहने की छत है और ना ही खाने को भोजन है। यह सभी बाढ़ पीड़ित 2 माह से स्वास्थ्य के स्कूल में रह रहे हैं। बता दें कि 2 महीने बाद भी लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, जिसके चलते सभी आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर निर्दलीय विधायक सीरा के नेतृत्व में हुंकार भरी है। वहीं निर्दलीय विधायक सीरा ने कहा कि जिन गरीबों के घर बहे हैं उन्हें सरकार केवल 5,000 रुपये दे रही है और जिनका कुछ नहीं बिगड़ा उन्हें लाखों रुपये दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मुआवजा दिया जा रहा है। सब पहले गए, फिर मार को पाया था 6,000 बर्तन पास से आन के कपड़ों से है, हम कोई धोरे कोपनार से है तो कम से कम हमारे को कितना मोजा होना, तो दूसरों को लोगों को जास्ता दे जिसको घर में नुकसान नहीं हुआ उनको। हमारे गांव के अंदर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण हमारे घरों को नुकसान हुआ है। कितने पीड़ित लोग हैं वहाँ पर? कम से कम भी 100 मकान से ऊपर है हमारे मोहल्ले के। कहाँ शिकायत लेकर पहुँचे आप? कलेक्टर ऑफिस। किन लोगों का मुआवजादार आपका कम आया है? हमारे मोहल्ले से 800-900 मीटर दूर, जहाँ पे पानी भी बहुत कम गया है, बहुत कम आया, बाढ़ आई है, बाढ़ पीड़ित में अच्छी रिपोर्ट बने, हजारों घरों का नुकसान हुआ है। कम से कम 500 घर कोपनार के, 200 घर संग्रामपुर के, 200-300 घर ससुंदी के, चारों तरफ नुकसान हुआ है। और उसका जो सर्वे हुआ है पटवारी के माध्यम से गलत हुआ है। हम आए फोफनार से, ग्राम फोफनार से, कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मैडम कने शिकायत लेके हमारा पूरा नुकसान हो गया, हम पूरे बर्बाद हो गए। तो हमारे को सिर्फ 5,000 रुपये मुआवजा दिया है और पास में हम नदी जहाँ बहती थी वहीं रहते हैं, हमारे पूरे मकान डूब गए थे और जिसके नहीं डूबे उनको ज्यादा पैसे मिले हैं।